बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर बे 2020-21 टुडे आई एम रीडिंग द लेसन एज पेड 46 लेसन पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड आई स्पीच डिलीवर्ड बाय लियाकत अली खान ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ यूएसए इन 1950 पेज नंबर 46 फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ आफ्टर फोर लाइन फर्स्ट फोर लाइन फिफ्थ लाइन इट वाज फॉर दीज रीजंस ये इन्हीं सबब की असबाब की वजह से था दैट दे टॉक्ड फॉर दे आस्क्ड फॉर अ कंट्री उन्होंने एक मुल्क के लिए मांग की ऑफ देयर ओन जो उनका अपना हो द डिमांड वाज नॉट सो अनरीजनेबल ये मांग बिला जवाज नहीं थी इतनी बिला जवाज नहीं थी एज इट वाज मेड आउट जैसा समझा गया था टू बी होना बाय सम पीपल कुछ लोगों की तरफ से एट द टाइम उस वक्त साउथ एशिया वाज वास्ट इनफ जनूब एशिया काफ़ी वसी था फॉर टू लार्ज कंट्रीज दो बड़े ममालिक के लिए द मुस्लिम्स वर नमरेस इनफ और मुसलमान भी काफ़ी तादाद नमरेस इनफ मीन्स लॉर्ज इनफ मुसलमान भी काफ़ी तादाद में थे टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन एक कौम बनाने के लिए बिगर दैन मोस्ट नेशंस जो बहुत बड़ी हो बहुत सी कौमों से इन द वर्ल्ड दुनिया में इट इज़ दीज एरियाज ये वो इलाके हैं हाँ आई एम रिपीटिंग अगेन फ्यू पॉइंट्स एंड इन साउथ एशिया देयर वर लार्ज इनफ एरियाज और जनूबी एशिया में बहुत से वसी इलाके थे वेयर दे वर इन अ मेजॉरिटी जहाँ पे वो अक्सरियत में है दिस लाइन इज This line defines the majority of Muslims. It is these areas that were separated. ये वो इलाके थे जो अलग किए गए It is these areas, ये वो इलाके हैं that were separated, जो अलग किए गए थे And today, और आज form the independent sovereign state of Pakistan. वो बनाते हैं एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की रियासत को वी बिलीव देन हम उस वक्त भी यकीन रखते थे एंड वी बिलीव नाउ और हम आज भी यकीन रखते हैं दैट द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों की मांग बरतानवी हिंदुस्तान में टू हैव अ सेपरेट स्टेट अलग रियासत होने के लिए ऑफ देयर ओन जो उनकी अपनी हो वाज बोथ ऑन ह्यूमन एंड जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स दोनों लिहाज इंसानी बुनियादों पर जोग्राफी और सियासी मैदानों में थी या ज्योग्राफी और सियासी बुनियादों पे थी अ वेरी रीजनेबल डिमांड बहुत ही मुनासिब मांग थी ये टू मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स लाखों मुसलमानों या करोड़ों मुसलमानों के लिए इट मीन टू ओनली अपॉर्चुनिटी इसका मकसद था सिर्फ एक मौका हासिल करना एक अपॉर्चुनिटी या चांस या कोई मौका हासिल करना फॉर जेन्युइन फ्रीडम असली आज़ादी के लिए एंड जेन्युइन सेल्फ गवर्नमेंट और असली अपनी ज़ाती हुकुमरानी कायम करने के लिए तो मिलियंस ऑफ हिंदूज और करोड़ों मुसलमानों के हिंदुओं के लिए इट गेव द सेम अपॉर्चुनिटी उसने वही मौका फराहम किया फॉर डिवलपिंग देयर ओन कल्चर अपनी सकाफत को तरक्की देने के लिए अनट्रैमल्ड बगैर किसी रुकावट के बगैर किसी तजाद के बाय द कॉन्स्टेंट डिसकंटेंट मुस्तकिल बेचैनी की वजह से ऑफ अ लार्ज एंड अन मैनेजेबल माइनॉरिटी एक बड़ी और ना संभाली जाने वाली अकलियत मीन्स मुस्लिम्स फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड पीस दुनिया के अमन के नुक्ते निगाह से द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपरेटिवली होमोजीनियस स्टेट्स तखलीक दो आज़ाद और
एक ही नस्ल से ताल्लुक रखने वाली रियासतों का, मींस वन मुस्लिम्स एंड अदर हिंदूज, वन स्टेट फॉर मुस्लिम्स अदर स्टेट फॉर हिंदूज, मींस हियर द फैक्टर फॉर होमोजीनियस इज द रिलीजन फेथ. टू स्टेट्स वर गोइंग टू बी मेड, वन टोटली कंसिस्टिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड द अदर ऑन हिंदूज. From the point of view of world peace, दुनिया के अमन के नुक्ते निगाह से, the creation of two independent and comparatively homogeneous states, दो आज़ाद और अगर उनका मुआज़ना किया जाए तो एक ही नस्ल या एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली रियासतें, instead of single uneasy and unwieldy state, बजाय एक अकेली बेचैन और हर वक्त फसाद झगड़े वाली रियासत, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा दबाव हो, खींचा तानी हो, विद इन द बॉडी पॉलिटिक्स, एक ही रियासत के अंदर, वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ा किरदार था, दैट कुड बी मेड, जो किया जा सकता था टूवर्ड द क्रिएशन ऑफ अ स्टेबल न्यू एशिया, एक नए और मुस्तहकम एशिया की तरफ, की तखलीक की तरफ. पीस लविंग मैन एंड वुमन, अमन से प्यार करने वाले मर्द और औरतें, हु टुडे लेमेंट, जो आज रोते हैं, आंसू बहाते हैं, द स्ट्रेंड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, खींचा तानी वाले ताल्लुकात की वजह से जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हैं, एंड नन लेमेंट्स देन मोर देन वी डू, और कोई इतना ज़्यादा नहीं रोता जितना हम रोते, या हमसे ज़्यादा और कोई नहीं रोता. शुड एट लीस्ट हैव दिस कंसोलेशन, कम से कम अभी ये तसल्ली तो है, दैट हैड पाकिस्तान नॉट बीन सेपरेटेड, अगर ये पाकिस्तान अलग ना किया जाता फ्राम द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बाकी बचे हुए हिंदुस्तान, बरतानवी हिंदुस्तान से, फॉर मोर सीरियस एंड डेंजरस क्रैक्स, और भी ज़्यादा संजीदा और ख़तरनाक दरारें वुड हैव अपीयर्ड, जाहिर हो जाती इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में, रिजल्टिंग इन अनटोल्ड अपहेवल्स, जो कि नतीजा होती ना बताए जाने वाले झगड़ों का, फसादों का, या अनएक्सपेक्टेड अपहेवल्स, गैर मुतवक्का फसादों का, झगड़ों का, अचानक झगड़ों या फसादों का, पोटेंशली अमली तौर पे. देयरफॉर इसलिए द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तखलीक ने, हैज़ बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद डिसॉल्वड, हल कर दिया है व्हाट वुड हैव बीन, जो कि बन जाता अ परपेचुअल डेंजर जोन इन एशिया, मुस्तकिल खतरे वाला इलाका एशिया में. सिंधी में यही सबब हुआ जो उन्हें अलग वतन या पहंजे एक अलग वतन के लिए घुर कई. ही घुर बिल्कुल भी नामुनासिब न हुई, एतरी नामुनासिब न हुई जेतरी वहा समझी पे वही कुछ मानों के तरफा उन दौर में या उन वक्त में. जनूब एशिया वसी, काफ़ी वसी है बिन वन मुल्क के लिए, मुसलमान काफ़ी तादाद में आन काब कौम ठाहण के लिए, जेका दुनिया के बेन कौम का वही हो दखिण एशिया में वड़ा इलाका हुआ या वसी इलाका हुआ जिते हुए अक्सरियत में हुआ, यानी मुसलमान अक्सरियत में हुआ. यही वही इलाका हुआ जेके अलग कया व्या हुए अज आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान की रियासत के ठाहन था या उनो हिस्सो आन. असा उन वक्त भी यकीन रखूँ पा, हाने भी असा यकीन रखूँ था, तो असांजी घुर यानि मुसलमान की घुर बरतानी हिंदुस्तान में एक अलग रियासत हासिल करण जे लाए, जेका उन्हनि जी पहंजी हुजे, वह बिन्ही बुनियादन ते, इंसानी जोग्राफी ए सियासी बुनियादन ते हुई, एक तमाम मुनासिब घुर हुई. करोड़े मुसलमान लाए इन जो मतलब हुयो सिर्फ मौको हासिल कर पंजे असली आज़ादी जो, इसलिए खुद हुकुमरानी जो, जाती हुकुमरानी जो. करोड़े हिंदुओं के लिए इन मौको फराहम कियो
उन्हें पांजे सकाफत के तरक्की देने के लिए बिना का रुकावट के मुस्तकिल बेचैनी वही न संभाली वींदड़ अकलियत के तरफा दुनिया के अमन के नुकत निगाह का बिन आज़ाद रियासतों जेके अलग अलग मजहबन के बुनियादन से हुजन बजाय जो एक बेचैन आई हर वक्त फदे फसाद वारी रियासत जैमें तमाम घनी छिकतान हो जे एक सियासी जिस्म अंदर या एक सियासी निज़ाम अंदर इहो एक वड़ो किरदार हुयो जो करे पियो सकजे एक मुस्तहकम आई नए एशिया के तरफ या नए मुस्तहकम एशिया के तरफ अमन सा प्यार कंदड़ इंसान मर्द औरतूँ जेके अज रोवन था लैमेंट मीन्स रोवन था छिकतान वारन तालुकातन जे करे हिंदुस्तान पाकिस्तान जे विच में या हिंदुस्तान भारत जे विच में पाकिस्तान भारत जे विच में को वधीक न रोए हा उनका जेत्रो असा रोऊं हा घट में घट ही तसली आहे त पाकिस्तान जेकर अलग न थे हा बाकी बरतानी हिंदुस्तान का जेकर पाकिस्तान बाकी बरतानी हिंदुस्तान अलग न थे हा त हिंदुन का वधीक असान जो रोवन हुजे हा असा तकलीफुन में हुजो हा जो तो अकलियत अक्सरियत में हुआ फार मोर सीरियस इतम वधीक संजीदा खतरनाक दरारों या डारों पैजी वन हा या जाहिर थन हा दक्षिण एशिया में जेके नतीजो बनजी वन हा अचानक झगड़न फसादन जो अनटोल्ड अपेहेबल्स अचानक झगड़न फसादन जो अमली तौर ते तह करे पाकिस्तान की तखलीक खुद ब खुद हल कर छो है जो कुछ बणजी वे हा एक मुस्तकिल खतरे वो इलाको एशिया में डिफिकल्ट वर्ड्स अनरीजनेबल बिला जवाज बिना कहा रीजन जे वास्ट इनफ काफ़ी वसी कॉन्स्टिट्यूट मुश्तमिल ठाहिन कंसिस्ट ऑफ सावियन आज़ाद खुद मुख्तियार ह्यूमन जियोपोलिटिकल इंसानी जाग्राफाई सियासी बुनियादन ते यानि पाकिस्तान इंसानी जाग्राफियाई सियासी बुनियादन ते ठयो जाग्राफी हिस्से जोग्राफी लिहाज का भी इलाका असांजा हिंदुस्तान का अलग थलग लगल है बिल्कुल अलग थलग है इंसानी बुनियादन ते तलग आही नहीं पर जाग्राफी लिहाज से भी असो ही इलाको बाकी हिंदुस्तान का अलग थलग है सियासी बुनियादन ते भी ताज करें टे बुनियाद ह्यूमन जियोपोलिटिकल ग्राउंड्स बुधा पे जियोपोलिटिकल के गदा बाकी जेन्युइन असली ओरिजिनल अनट्रैमल्ड विदाउट एनी हिंड्रेंस बगैर कह रुकावट के डिसकंटेंट बेचैनी अनमैनेजेबल न संभाली वींदड़ अनकंट्रोल्ड कंपैरेटिवली रिलेटिवली अगर इनका मुवाजना किया जाए अगर इन जो तवा एक बे से मुकाबलो किया वे होमोजीनियस एक ही जिन से ताल्लुक रखंदड़ एक ही मजहब से ताल्लुक रखंदड़ एक ही अकीदे से ताल्लुक रखंदड़ होमोजीनियस द बेसिक फैक्टर हियर फॉर होमोजीनियस इज द रिलीजन और फेथ अनवील्डी मीन्स ऑकवर्ड नापसंदीदा अणवणंदड़ स्ट्रेंस एंड स्ट्रेसिस छिकतान खींचातानी दबाव प्रेशर दोनों लफ्ज इकट्ठे आते हैं स्ट्रेंस एंड स्ट्रेसिस मीन्स दबाव खींचातानी सिंधी में चंदा सी छिकतान लैमेंट वीप रोना रोन स्ट्रेंड रिलेशंस मीन्स छिकतान वारा तालुकात बेचैनी वारा तालुकात हर वक्त क्वायरल डिस्प्यूट वारा तालुकात कंसोलेशन तसलीद सोलेस
अपहैवल्स फसाद झगड़ा डिस्प्यूट्स क्वायरल्स परपिचुअल परमानेंट डेंजर जोन खतरे वारो इलाको डिजॉल्व्ड मन हल के उगारे छो खत्म करे छो Dear students, now I am reading the poem. Page number 58, part 2, relating to class inter, page number 58. The poem is The Solitary Reaper. The Solitary Reaper. Tanha katai karne wali. Ya akeli ladki katai karne wali. Solitary means lonely, alone. Reaper means harvester, katai karne wali. विलियम वर्ड्सवर्थ बेहोल्ड हर मुशाहिदा करो उसका ऑब्जर्व हर सिंगल अकेली है इन द फील्ड अपने खेत में यौन वहाँ पे उधर सोलेट्री तन्हा हाईलैंड लेस पहाड़ी लड़की रीपिंग एंड सिंगिंग कटाई करते हुए और गीत गाते हुए बाय हर सेल्फ अकेले ही अकेले स्टॉप हियर रुक जाओ यहाँ पे और जेंटली पास ये आराम से गुजर जाओ अलोन शी कट्स इन बाइंस तन्हा या अकेले वो फसल काटती भी है और बांधती भी है द ग्रेन अनाज को अनाज वाले फसल को एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन और गीत गाती है तन्हाई वाला उदासी वाला गीत गाती है गाती है तन्हाई वाला या उदासी वाला गीत ओ लिसन ओ गौर से सुनो फॉर द वेल प्रोफाउंड क्योंकि ये गहरी वादी वेल मीन्स वैली प्रोफाउंड गहरी क्योंकि ये गहरी वादी इज ओवरफ्लोइंग उमड़ रही है विद साउंड आवाज के साथ आवाज ठाठारे मारता हो किनारों से बाहर आ रहा है नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट किसी बुलबुल परिंदे ने इतना अच्छा नहीं गाया चौंट मीन्स सेंग मोर वेलकम नोट ज़्यादा खुशामदीद करने वाले गीतों के साथ नज़मों के साथ शायरों के साथ तो वेरी बैंड्स थके हुए टोलों के लिए बैंड्स मीन्स टोले वेरी मीन्स थके हुए ऑफ ट्रेवलर्स मुसाफिरों के इन सम शेडी हांट किसी सायदार जगह पे किसी सायदार दरख्तों के झुरमट में अमंगरेबियन सेंट्स अरब के सहराओं में मीन्स रेगिस्तान में नखलिस्तान ऑसिस में अवाइज सो थ्रिलिंग इतना पुरकशिश आवाज नेवर वाज हर्ड कर कभी भी नहीं सुना गया था इन स्प्रिंग टाइम बहार के मौसम में फ्राम द ककू बर्ड किसी कोयल परिंदे से ब्रैकिंग तोड़ते हुए द साइलेंस ऑफ द सी समंदर की खामोशियों को अमंग द फारदेस हैबिट्स दूर हैबिट्स के जजीरों में सिंधी में द सॉलिटरी रीपर अकेली लाबारो कंदड़ विलियम वर्ड्सवर्थ बिहोल्ड हर हुनजो मुशाहिदो के उनके गौर से ॿुधो ॾिसो सिंगल इन द फील्ड अकेली बनीअ में फसल में यान ओवर देयर हुते साम्हूं सॉलिटरी हाईलैंड लेस अकेली पहाड़ी छोकिरी रीपिंग लाबारो कंदे एंड सिंगिंग ऐं ॻाईंदे बाय हर सिर्फ़ु अकेलो पंहिंजो पाण में स्टाफ हीअर बीहो हिते आर जेंटली पास यार नरमी सां गुज़री वञो अलोन शी कट्स इन बाइंस अकेली हू कटे थी ऐं ॿधे थी द ग्रेन अनाज खे एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन ऐं उदासी वारो गीत ॻाए थी ओ लिसन ओ गौर सां ॿुधो फॉर द वेल प्रोफाउंड छाकाणि थी गहरी वादी इज़ ओवर फ्लोइंग उथली रही आहे विथ द साउंड आवाज़ सां नो नाइटिंगेल का बुलबुल डिड एवर चांट अहिड़ो न ॻायो हूंदो कंहिं बि बुलबुल पखी एतिरो सुठो न ॻायो हूंदो मोर वेलकम नोट्स वधीक ख़ुशामदीद कंदड़ नज़मुनि सां लफ़्ज़नि सां टू वेरी बैंड्स थकल टोलनि खे आ ट्रेवलर्स मुसाफ़िरनि जा इन सम शेडी हांट कंहिं सायदार जॻह ते कंहिं नखलिस्तान में अमंग अरेबियन सेंट्स अरब जे सहराउनि में
अवाइज सो थ्रिलिंग एतरो पुरकशिश आवाज़ नेवर वॉज हर्ड कदम न बुधो वो हो इन स्प्रिंग टाइम बहार की मौसम में फ्राम द ककूबर कोयल पखी खां ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज समुंड के खामोशी के त्रोड़ींदे अमंग द फॉरदेस हैब्रिड्स परे वारन हैब्रिड्स के जजीरन में हाईलैंड लेस पहाड़ी छोकरी सोलेट्री अकेली बिहोल्डर मुशाहिदो के उनजो बाहर अकेली अकेली जेंटली पास नरमी से गुजरी वनो कर्स एंड बाइंस कटे थी बधे थी द ग्रेन अनाज वारो फसल मिलान कली स्ट्रेन उदासी वारो गीत प्रोफाउंड गहरी वेल प्रोफाउंड गहरी वादी ओवरफ्लोइंग उथली रही है उमंड रही है नाइटिंगेल बुलबुल पखी चांट सेंग गायन वेरी बेन थकल टोला शेडी हांट का सायदार झुगटो या वणन जो झुगटो अरेबियन सेंट्स अरब जा सहरा थिरलिंग पुरकशिश ध्यान छिकाइंदड़ अट्रैक्टिव स्प्रिंग टाइम बहार की मौसम में ककू बर्ड कोयल पखी ब्रेकिंग भंजंदे ट्रोड़ींदे खामोशी के ख़त्म कंदे फारदेस्ट परे खा परे दूर फार फारदर फारदेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हैब्रिड्स जजीरा जजीरन जो नालो है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इंग्लैंड प्रॉपर्टी ऑफ इंग्लैंड या प्रॉपर्टी ऑफ यूके।